ही सब सुनता है। पहुंच चुके हैं राम मंदिर, और भाई यहाँ से राम मंदिर का रास्ता स्टार्ट हो जाता है, मतलब द्वार प्रारंभ हो चुका है, ये चेक करें। और कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं राम मंदिर, बने रहिए ब्लॉग के साथ। सो हेलो माय यूट्यूब जनता, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आप सभी को पता होगा मैं आ रखा हूँ अयोध्या। कल हम अयोध्या आए थे, मतलब आज ही हम आए थे। मैंने कुछ देर पहले अपना व्लॉग एंड करा है जो मैं घर से निकला था, जैसा भी है। तो गाइज ये हमारा अयोध्या में पहला दिन रहने वाला है। तो गाइज आज हम जाएंगे राम मंदिर, आप सभी को पता है वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, मतलब वही चीज़ हम देखने के लिए आए हैं, राम मंदिर जैसा भी है। और गाइज हम धर्मशाला में रुके थे, यहाँ पे एक धर्मशाला है और यहाँ पे सामने कनक भवन है, इसी के जस्ट बराबर में एक धर्मशाला, बहुत सस्ते रुपये में आप यहाँ पर रुक सकते हो। 12-24 घंटे के सिर्फ 140 रुपये आपको देने पड़ेंगे, बहुत अच्छी व्यवस्था है, मैंने आपको पीछे ब्लॉग में दिखाया होगा जैसा भी है। तो गाइज आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ बस नहा धोके जैसा भी है। इधर ये सूरजपाल, ये भी रेडी है, तो बस कुछ ही देर में निकलते हैं राम मंदिर। और हमारे इधर एक भैया जी हैं, इधर आ जाओ, ये आए भैया नखलऊ से, तो ये भी हमें मिले थे साथ में। इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, मतलब बिहार से है ना, बिहार से हैं ये भैया, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, मतलब स्टार्ट कर रहे हैं अयोध्या में आके, इन्होंने चैनल बनाया नया। तो अभी नाम अभी तो बनाया नहीं है ना, बन गया। देखो ना मेरा यात्रा, देखो ना मेरी यात्रा, देखो ना मेरा यात्रा भैया का YouTube चैनल है, नीचे लिंक मैं डाल दूंगा आपके यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, क्योंकि भाई अभी तक तो कोई वीडियो नहीं डाला है, फर्स्ट वीडियो इनका अयोध्या का ही डलेगा, इसी पर्पज से भैया यहाँ पे आए। तो गाइज बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक ही कैटेगरी के जब मिलते हैं तो भाई मिले, और एक ही रूम में हम सारे एक जगह ही हैं, तो हम 22 तक साथ ही रहने वाले हैं जैसा भी। डेली अपडेट, माहौल बहुत अच्छा है यहाँ, इनके यूट्यूब चैनल पर भी डेली अपडेट मिलेगा और हमारे पे जैसा भी। तो गाइज बस कुछ ही देर में निकलते हैं राम मंदिर के लिए। तो गाइज फाइनली हम निकल चुके हैं घूमने के लिए राम मंदिर, और भाई जो भी बीच का शो होगा सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, बने रही हमारे ब्लॉग के साथ। और इधर हमारा सूरज भाई आ रहा है, ये भी ब्लॉग कर रहा है, तो निकलते हैं और दिखाते हैं भाई आपको अयोध्या के कुछ नज़ारे। तो गाइज हम निकल चुके हैं घूमने के लिए, और भाई यहाँ का इतना सुंदर नज़ारा है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर भाई, सारे घर एक ही कलर में, जो शटर है ना आप देख सकते हो एक ही कलर में, और हर शटर पर ना अलग अलग हमारे भगवान जी के ही जो भी हैं सब कुछ पेंटिंग बनी हुई है, बहुत प्यारा नज़ारा भाई। ये देखिए भाई अयोध्या का कुछ नज़ारा, पहले दिन हमारा। और अभी है ना मुझे कुछ गले में डालने के लिए वो लेना है, एक बड़ा सा, मतलब ये छोटा है ना राम जी का, बड़ा लेना है मुझे। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं, मुझे ना अपने गले में डालने के लिए एक राम जी का वो लेना है, बहुत प्यारा। यहाँ पे एक भैया जी से, भैया देना यही वाला दे दो, हाँ हाँ दे दो ये ना छोटा था, हम घर से ही डाल के आए थे इसको, और अभी हम ले रहे हैं बड़ा, उसके बाद सीधा चलेंगे राम मंदिर, और जो भी यहाँ का व्यू होगा सारा कुछ दिखाएंगे आपको। लाओ भाई जी आ चुका है अपने राम जी का, ये अभी डालते हैं गले में। तो गाइस फाइनली हमने परचेस कर लिया ये, और अब चलते हैं सीधा राम मंदिर, और भाई जो भी यहाँ का रास्ते का व्यू होगा सारा दिखाएंगे, बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं नए घाट पे, और भाई आप सभी को सामने दिख रहा होगा यहाँ पे हमारे एक मोदी जी का फोटो और वीडियो बहुत वायरल हो रही है जब ये तैयार हो रहा था। देखो गाइस कितना प्यारा व्यू है यहाँ का, ये चेक करो भाई, यहाँ पे जस्ट बराबर में नया घाट। तो नया घाट आज हम नहीं जा रहे, क्योंकि वो चीज़ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में हम दिखाएंगे, आज हम सिर्फ राम मंदिर का दिखाएंगे। तो यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होने वाली है कुछ ही देर में, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर राम मंदिर है, और आगे का व्यू चेक कराते हैं आपको, बने रहिए ब्लॉग के साथ। चलते हैं राम मंदिर की ओर बढ़ते हैं, और आपको दिखाते हैं राम मंदिर का कुछ नज़ारा, और यहाँ की तैयार है बहुत जोरों शोरों पर है, और इतना प्यारा व्यू है ना गाइस, बहुत प्यारा। ये देखिए आगे बहुत प्यारी लोकेशन आ रही है एक, और यहाँ से आपको दिखाते हैं फिर निकलते हैं, ये चेक करो भाई। और गाइस ये चेक करिएगा यहाँ पे, तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं राम मंदिर पे, यहाँ से हमारे राम मंदिर का प्रारंभ हो जाता है, ये तैयारियाँ चल रही हैं अभी, क्योंकि 10 तक ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा जैसा भी है। तो चलते हैं आपको भी दर्शन कराते हैं। तो
गाइस फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं राम मंदिर, और भाई यहां से राम मंदिर का रास्ता स्टार्ट हो जाता है, मतलब द्वार प्रारंभ हो चुका है, ये चेक करें। और कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं राम मंदिर, बने रहिए ब्लॉग के साथ और आपको भी दर्शन कराते हैं हम। और गाइस ये चेक करिएगा, इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब और हर जगह भाई रिपोर्टर न्यूज़ वाले, मतलब कैमरा भाई जिसके हाथ में देखो उसके हाथ में कैमरा ही लगा हुआ है, यहाँ पे हर कोई रिपोर्टिंग और कोई ब्लॉगिंग सब अपने अपने लगे हुए हैं। और भाई कितना प्यारा व्यू है, ये चेक करें, बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं हम राम मंदिर। और गाइस पता है यहाँ पे ना तैयारियाँ इतनी ज़ोरों पर है, मतलब 10 दिन का इंतज़ार है, बस हर कोई जिस किसी को भी जो काम सौंपा गया है सब उसी में व्यस्त है भाई, बहुत ज़्यादा। अभी इधर भी अधूरा पड़ा है, कंप्लीट है, यहाँ भी काम चल रहा है, मतलब चारों तरफ कुछ ना कुछ काम ही चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ से हमारे राम प्रभु का मंदिर दिखाई देता हुआ, और एक बार से भी जय श्री राम बोलिए, बस कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, अंदर कैमरा लेके नहीं जा सकते भाई, पुलिस वाले मना कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया अंदर कैमरा वॉच और फोन जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है। तो भाई हम बाहर ही, अब देखते हैं रूम पे रख पाते हैं, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। जय श्री राम। तो गाइस फाइनली मैं आया हूँ अभी मंदिर के अंदर से, और भाई पता है अंदर जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और वीडियोग्राफी फोटोग्राफी आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई मैं अंदर गया था ना, बस बाहर से ही दिखा रहे हैं, जैसे अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो अंदर जाना अलाउड नहीं है, बस आप जाओगे और थोड़ा सा दिखाएंगे और ऐसे घूम के वापसी आ जाएंगे। तो ये तो गया भी नहीं है अंदर अभी, तो अभी हम जा रहे हैं अपने रूम पे जहाँ हमने रूम ले रखा है, कुछ खाएंगे क्योंकि हमने सुबह से खाना भी नहीं खाया है। तो भाई वैसे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और 23 तारीख के बाद ये खुल जाएगा सभी के लिए, तो भाई अभी 22 तारीख तक जो भी आम आदमी जो भी कोई आना चाह रहे हैं यहाँ पर मत आना, ये चीज़ तो मोदी जी ने मना कर रखा है कि भाई यहाँ पे कोई ना आए अभी 22 तक। हमारा क्या है, हम तो डेली वीडियो का अपडेट देंगे बाहर से जैसा भी है। तो अभी हम जा रहे हैं वापसी अपने रूम पे जहाँ हमारा रूम है, और यहाँ वीडियो हब चैनलों वाले अनलिमिटेड पड़े हैं। तो भैया चल रहे हैं अपने रूम पे, मिलते हैं आपको। कुछ पता है यहाँ पे आके ना एक एनर्जी सी मिल रही है, जोश सा चल रहा है भाई, इतने सारे भक्त हैं यहाँ पे, चारों तरफ भक्तों की भीड़ है, और भाई एक अलग ही लेवल की वो है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा सच में। और भाई सभी के हाथ में कैमरे, न्यूज़ वाले समथिंग यहाँ पे मुझे लग रहा है 20-30% न्यूज़ वाले हैं यहाँ पे, सभी के हाथों में कैमरा घुमाया फिर रहे हैं। तो भाई फाइनली हम पहुँचने वाले हैं अपनी धर्मशाला, जहाँ हमने रूम लिया था, और यहीं कनक भवन, और यहीं पे कनक भवन के बराबर में बिल्कुल हमारी धर्मशाला है, सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये कनक भवन। अभी हम इसमें अंदर जाएंगे घूमने के लिए, बट ब्लॉग नहीं करूँगा मैं, क्योंकि इसका ब्लॉग हम अलग ही देंगे आपको। तो अभी चलते हैं रूम में, क्योंकि सारा सामान रखना, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम, सुबह से खाना भी नहीं खाया, शाम हो चुकी है, तो कुछ खाना वाना खाएंगे उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अपने धर्मशाला में, और भाई इतनी ज़्यादा थकावट हो रही है ना, बहुत ज़्यादा भाई, पूरा दिन हो गया, हम सुबह ही निकले थे और अब जाके हम आपको मिल रहे हैं, सर में दर्द हो रहा, कुछ खाया नहीं है सुबह से। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर कुछ खाने के लिए, खाने के बाद आपको मिलते हैं, ये ब्लॉग एंड करना है क्योंकि भाई 2-3 ब्लॉग पड़े हैं वो एडिट भी करने हैं। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर खाना खाने। तो गाइस अभी हम आए खाना खाने के लिए, और अभी भैया ले आ रहे हैं खाना, एक थाली है, मतलब क्या बोलते हैं जो भी है, थाली के अंदर दिखाएंगे आपको। तो भाई आ चुका अपना खाना, दाल चावल आलू छोले रोटी खीर और एक सब्जी जिसका नाम पता नहीं है, तो खाते हैं भाई खाना। तो गाइस अभी हम आ गए खाना खा के, और अब हम जा रहे हैं अपने रूम पे, और भाई जाके सोना नहीं है, ब्लॉग एडिट करना है उसके बाद सोना है, और रूम पे जाके करते हैं भाई ये वाला ब्लॉग एंड। तो गाइस फाइनली हम आ गए अपने रूम पे, और गाइस ये वाला ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि भाई एडिट करना और भाई थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो गाइस ये ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। तो गाइस कैसा लगा हमारा ब्लॉग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताना। गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जिस भाई ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हमारी हर एक ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप देख पाए हमारा ब्लॉग सबसे पहले। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।